नमस्कार दोस्तों, मैं श्रुति आज आपको बताने जा रही हूँ भारतीय अभिनेता राजकुमार राव के बारे में। तो आइए जानते हैं उन्होंने अपनी लाइफ में कितना स्ट्रगल किया और कितनी मेहनत से अपना मुकाम पाया। आज के दौर के अभिनेताओं की इतनी अच्छी फिल्मों में बॉलीवुड में वे अपनी जगह बनाने में सफल रहे। उनकी एक्टिंग का लोहा सभी ने माना है, चाहे वे दर्शक वर्ग हो या फिर आलोचक हो। देखें राजकुमार राव की अनदेखी तस्वीरें। ये है हमारे राजकुमार राव। इनकी शादी कब और कहां हुई आइए जानते हैं। राजकुमार राव ने 15 नवंबर 2021 को चंडीगढ़ में पथ लेखा के साथ शादी की, जो उनकी प्रेमिकाएं। राजकुमार राव का जन्म गुड़गांव में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उनको 10वीं कक्षा में ही अभिनय का कीड़ा लग गया था। जैसा कि सब जानते हैं कि राजकुमार को एक्टिंग में बहुत इंटरेस्ट था। राजकुमार प्राप्त अवार्ड की लिस्ट। उन्होंने पढ़ाई कहां से की है आइए जानते हैं। उन्होंने अपना स्कूलीय सफर गुड़गांव में ही पूरा किया, जिसके बाद कला के स्नातक की पढ़ाई उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से पूरी की। राव ने FETI पुणे से भी पढ़ाई की, जिसके बाद वे मुंबई शिफ्ट हो गए। जाने राजकुमार राव की 10 बेस्ट मूवियां कौन कौन सी है आइए बताते हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत कहां से और कैसे की। राजकुमार राव के करियर की शुरुआत फिल्म लव सेक्स और धोखा फिल्म से हुई, जिसके लिए उन्होंने अपना ऑडिशन तब दिया जब उन्होंने एक विज्ञापन देखा, जिसके लिए फिल्म के निर्देशक दिवाकर बर्जनी कुछ नए लड़कों को अपनी फिल्म में लेना चाहते थे। इसके बाद उन्होंने फिल्म का करियर ग्राफ दिनों दिन बढ़ता ही चला गया। रागनी MS, सैतान, काई पोचे, शाहिद जैसी सारी की फिल्मों से उन्होंने अपना अलग अलग मुकाम बना लिया। फिल्म शाहिद को हर जगह से अच्छी प्रतिक्रिया तो मिली ही, इसके साथ ही साथ उन्होंने इस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिया गया। राजकुमार राव की डेट में बॉलीवुड के बेहतरीन अभिनेता हैं। इन्होंने अभिनय से सबका दिल ही जीत लिया। ये है राजकुमार राव की बेस्ट फिल्में। तो आपको ये फिल्में कैसी लगी। राजकुमार राव की आने वाली फिल्म है बधाई हो, जो कि हमें सबको पता है कि राजकुमार राव की है तो बेस्ट तो होगी ही। तो हमें ज़रूर बताएं, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इस बारे में आपका क्या ख्याल है हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी के साथ नमस्कार, मैं श्रुति, मिलते हैं अगले शो में।